जाते हैं संग्रहालय चार यानी म्यूजियम फोर्थ में। अभी तक हमने तीन म्यूजियम कंप्लीट कर लिया, अब हम फोर्थ में जा रहे हैं। अब आप लोगों को देखते हैं वहाँ हमें पिक्चर लेने देते हैं कि नहीं। अगर पिक्चर लेने परमिशन ली है एक जगह की वीडियो शूट क्या, उन्होंने बस पिक्चर्स के लिए बोला हुआ है, बट फिर भी हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं वीडियो शूट करने की। निकल चुके हैं, जिसको भी फराय घूमने आना है प्लीज़ टाइम से आइए, क्योंकि यहाँ टाइम जल्दी हो जाता है, इतना बड़ा है म्यूज़ियम ही। म्यूज़ियम में घूमने में आपको 2 घंटे तो मतलब निकल गए समझो, तो इसलिए टाइम से आइए। बात तो सही है घूमना हो अगर अच्छे से तो, और आप लोग ज़रूर आओ यहाँ, क्योंकि उत्तराखंड वालों से तो पता ही वाल कि हाँ यक कद का बढ़िया चीज़ मतलब घूमना खंड भी Not bad. उन भी और बच्चे तो खास कराओ, बच्चे उपदगर तो मतलब खेलना इतना बढ़िया चाहिए, इतना बढ़िया बढ़िया ग्राउंड चाहिए, यक इतना बड़ा बड़ा ग्राउंड बच्चों तक छोड़ दो और बस। FRI का मेन गेट वहाँ से इसलिए भेजा जाता है हमें, क्योंकि ये नहीं खुलता, ये कभी कभी खोलते हैं लोग जब मतलब तो बताया था कि बैंडेज मार्ग की जो ये गेट है ना उसका नाम है बैंडेज करके, मैंने आपको पहले भी बताया था इसी मेन गेट का नाम है। बसंत विहार अपोजिट ही इसका गेट है, बसंत विहार देहरादून के अंदर बसंत विहार के अपोजिट एग्जैक्ट अपोजिट में FRI का जो है वो मेन गेट है। जो अब मैं हमेशा आती हूँ यहाँ, जितनी बार भी मैं घूमने जाती हूँ ना हमेशा मैं यहाँ आती हूँ, और मैं क्या पीती हूँ मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, अभी चलिए आ जाइए। पाइनएप्पल जूस जो कि बहुत टेस्टी है, यहाँ जितनी बार हम बाहर निकलते हैं ना हम पाइनएप्पल जूस वाले भैया के पास ज़रूर आ जाते हैं, तो ये है वो बनाते हैं पाइनएप्पल जूस। आज हम घंटाघर वाली रोड से आज हम ये पाइनएप्पल जूस पीते हुए अब जा रहे हैं, हम कौन से ग्राउंड है ये परेड ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं हम घूमते हुए। देहरादून में ना जो है ऐतिहासिक प्लेसेस एक FRI नहीं काफ़ी मतलब इतने ऐतिहासिक प्लेसेस हैं, आप लोगों को बता दूं मैं कि मतलब आप लोग जितना भी एक्सप्लोर करो ना आपको हर जगह पे एक नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नया नया देखने को मिलेगा, नया नया सीखने को मिलेगा, आप लोग ज़रूर आओ देहरादून एक बार घूमने के लिए। मतलब सतो यक पता ही वाल मतलब ना यक इतना लोग गड़ो लीछी मतलब आधा से ज़्यादा लोग ना मतलब उत्तराखंड का ही छे, और यहाँ का कल्चर भी मतलब सरा वेम ना आप लोगों से ही मतलब उत्तराखंड का ही लोग मिला ना, या फिर शादी होने का यही फ़ायदा हुआ है कि मैं अपने उत्तराखंड कल्चर से जुड़ी हूँ ना देहरादून शादी करके, या कोटद्वार है वैसे मेरा ससुराल, पर देहरादून में आके भी मतलब यहाँ भी उत्तराखंड के लोग बहुत ही मतलब पूरा उत्तराखंड बसा हुआ है, यहाँ आधा उत्तराखंड दिल्ली में जो कि नहीं मिलता देखने को, दिल्ली के लोग जो हैं वो उत्तराखंड को भूल ही चुके हैं, उत्तराखंड में भाषा अपनी उसको अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना नहीं चाहिए, अपनी भाषा को हम जहाँ भी रहें हमेशा बोलना चाहिए। मैं दिल्ली की होके भी देखिए उत्तराखंड की भाषा आप लोगों तक बोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली में रह के भी मैंने अपने कल्चर को आगे बढ़ाया। और अब हमें भूख लग गई है तो हमको एक पूजा करने के लिए आ गए हैं अपने फेमस यहाँ पे जो साउथ इंडियन फूड वाले भैया हैं उनके पास, ये है बहुत ही फेमस, यहाँ इतने फेमस है कि मतलब इन लोगों का भीड़ रहती है सुबह मतलब शाम को लगाते हैं भैया यहाँ पे, और इतनी भीड़ रहती है इन लोगों के पास क्या बताऊँ, रात तक शाम 11-10 बजे तक आप लोग यहाँ का डोसा ट्राई करके नहीं गए तो कुछ नहीं खाया आपने, इसका मतलब साउथ इंडियन मेरा फेवरेट फूड है आप लोगों।
इडली सांभर जो है सबसे टेस्टी और हेल्दी फूड है. आप लोग सब खाएं, खुश रहें, हेल्दी रहें. हाँ, हेल्दी भी रहे. इडली सांभर जंक फूड में नहीं आता ना, इसीलिए, क्योंकि ये बहुत हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है इसके. काफ़ी इसमें दाल है, इसमें राइस भी है, मतलब मिक्स है, वेजिटेबल्स भी है. सांभर में किस किस को पता है कि कितनी सारी वेजिटेबल्स होती है. सब चीज़ों के गुण इसी में घुटे हुए हैं. और ये नारियल की चटनी तो गुड. गरम हमारे पेट पूजा हो चुकी है और हम निकल चुके हैं अब घर के लिए. तो अब आपको मैं पूरा देहरादून दिखाती हूँ कि नाइट में कैसा लगता है. नाइट में तो और भी खूबसूरत हो जाता है देहरादून, घूमने का मज़ा ही अलग हो जाता है. आज का डे बहुत ही मस्त था घूमते हुए. और आप लोगों ने भी देखा, FRI घूमे हम लोगों ने, क्लॉक टावर गए हम लोगों ने, काफ़ी चीज़ें देखी, खाई पी, मौज किए. गाइज ये है बल्लूपुर चौक, जहाँ से आपको आइस बीटी के लिए ये रोड मिल जाती है ना, यहाँ से आप आइस बीटी जा सकते हैं. यहाँ से नीचे से आपको विक्रम वगैरह जब मिल जाएंगे, यहाँ से आप जा सकते हैं आइस बीटी के. आ गए हैं इलेक्ट्रिकल की शॉप पे, घर पहुँचने वाले हैं हम थोड़ी देर में, थोड़ा सामान लेना था तो इसलिए हम पहले शॉप पे आ चुके हैं. वाले भैया जो है ना, वहाँ से सामान लेवा रहे हैं भैया. अब हम घर पहुंच चुके हैं और आज का दिन आप सोच नहीं सकते कितना इंटरेस्टिंग और इतना नॉलेजेबल, थोड़ा सा खाने पीने वाला भी था और काफ़ी खाया पिया भी हमने, इंजॉय भी बहुत किया आज हमने. और आप लोगों को जैसा भी लगा हो मेरा ब्लॉग, आज ये मेरा सेकंड ब्लॉग था, आप लोगों को तो पता ही है. और आप लोगों की वजह से मैं आगे बढ़ सकती हूँ. और आप लोगों को अगर छोटी छोटी जर्नी मेरी ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे और भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ. और आप लोग खुद बताओ कि मुझे और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ कहाँ आपको छोटी छोटी जर्नीज में आपको देहरादून, आपको और भी जगह मैं एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी जहाँ आप कहेंगे मुझे. सो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी. और आप लोग अपना ख्याल रखिए. गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में.